मध्य प्रदेश के बैतूल के जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड में आज एक प्रसूता के पति ने जमकर हंगामा किया। विवाद कोरोना पॉजिटिव एक वृद्धा की मौत के बाद शुरू हुआ। आरोप है कि वृद्धा की कोरोना से मौत होने के बाद घंटों उसका शव वार्ड में ही खुला जमीन पर पड़ा रहा। इसकी जानकारी जैसे ही प्रसूता के परिजनों को मिली, उन्होंने इसे लापरवाही बताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि यह प्रसूता भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और कल ही उसकी जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में प्रसव हुआ था, जिसके बाद एक दिन के बच्चे के साथ उसे कोविड सेंटर में भर्ती किया गया था। और ये मेरे को, ये मेरी वाइफ है, एक दिन की प्रेगनेंसी और ये बोल रहा है कि लेके जाओ यहाँ से, ये कोविड 19 में रखा है, इनको बात करने की तमीज नहीं है। क्या बोला? मैंने कब बोला? सामान कौन देगा यहाँ से ले जाके? कौन? मैं दूर रख रहा हूँ, मिल भी नहीं सकता हूँ मैं। क्यों नहीं मिल सकते? दूर से दे रहे, रोज दे रहे। मेरे घर में सब क्वारंटाइन है, कोई नहीं है यहाँ पे आने ले जाने वाला, ठीक है? और आप में से ऐसी बात कर रहे हो कि निकल यहाँ से, लेके जा। बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे बोल रहा हूँ, तू से बोल रहे हो आप मेरे को? अभी तक तू से बात करी आपने मेरे से? ठीक है, ऐसी बात नहीं होती है। मैं यहाँ पे अभी क्या करूँ, मेरे को ये बताओ। तो आपने किस इससे बोला मेरे को कि आप लेके जाओ? बताया जा रहा है कि आज कोरोना वार्ड के 100 साल की वृद्धा की मौत हो गई थी। इसी बात की जानकारी जैसे ही इस वार्ड में भर्ती एक प्रसूता के परिजनों को मिली, उन्होंने जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड प्रभारी से शव हटाने की गुहार लगाई, जिससे डॉक्टर परिजनों पर भड़क गए और इसे लेकर घंटों विवाद चलता रहा। परिजनों का आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव वृद्धा की मौत के बावजूद उसकी लाश खुली पड़ी रही और उसे वार्ड से हटाया नहीं गया, जिससे वार्ड में भर्ती प्रसूता और जन्म लेने वाले बच्चे पर कोरोना का असर पड़ सकता है। आरोप यह भी है कि जब परिजनों ने इस बात का विरोध किया तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने परिजनों को चेतावनी दे डाली कि वे भर्ती मरीजों को घर ले जाएं, जबकि वे पॉजिटिव हैं। इस विवाद के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन अपनी गलतियां छिपाने में लगा हुआ है। और दूसरी चीज़, डिलीवरी के बाद में उनने उसको कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया। गुड़िया एक दिन की गुड़िया है, जिसका किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक और भी पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, उसकी डेथ हो गई थी समथिंग नाइट में हुई थी, 6-7 घंटे हो गए हूँ। तो वहाँ पर ना उसकी बॉडी को हटाया गया, ना कुछ किया गया और ना किसी प्रकार से कुछ कर रहे हैं। अब मैंने डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर थे ड्यूटी पे प्रमोद मालवी, उनसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो डेड बॉडी है उसको हटा दीजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बोल रहे हैं कि बाहर निकलिए हॉस्पिटल के, और उनने मुझे बाहर निकाल दिया, बदतमीजी से बात करी और अभी तक उसका शव नहीं हटाया गया। अस्पताल के सीएस का कहना है कि मृत वृद्धा कोरोना पॉजिटिव थी, वही भर्ती प्रसूता भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों को एक जगह रखा जाना गलत नहीं है। उन्होंने सफाई भी दी है कि वृद्धा की मौत के बाद उसके शव की पैकेजिंग के व्यवस्था की जा रही थी। गाइडलाइन के मुताबिक जो है वार्ड में, कोरोना वार्ड में 3 तरह के सेक्शन बनाए गए हैं, सस्पेक्टेड सेक्शन, पॉजिटिव सेक्शन एंड आईसीयू सेक्शन। 3 तरह के वार्ड सेक्शन बनाए गए हैं और जिला अस्पताल बैतूल में जो कोरोना वार्ड है वो डीसीएससी लेवल का वार्ड है, इसमें 10-10 बेड्स हैं। इसमें वर्तमान में एक जो आज दिनांक 15 तारीख को 100 साल की बुजुर्ग महिला जो है, जो कोरोना पॉजिटिव थी, जो करीब बैतूल शहर से 45 किलोमीटर दूर एक गांव है वहाँ के रहने वाली थी, उसकी आकस्मिक डेथ हुई। महिला चूँकि 100 साल की थी और एक तरह से एक कोरोना एक कारण था, अदरवाइज़ नहीं तो एक स्वाभाविक मौत भी है। वो कोरोना है, उसको बीमारी डिटेक्ट आउट हुई थी और उसकी वजह से भर्ती थी। जहाँ तक दूसरी जो घटना आप जो बोल रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिला जिसको मतलब डिलीवरी हुई थी, वो महिला भी कोरोना पॉजिटिव थी, उसको भी कल डिलीवरी हुई थी। ये गाइडलाइन के मुताबिक जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव सेक्शन में रखे गए थे और वहाँ उनको उपचाररत थे। अगर इस बीच में वो बुजुर्ग महिला की मृत्यु होती है तो गाइडलाइन के मुताबिक जो है उसको प्रक्रिया पूर्वक जो है सर्टिफाइड डिक्लेयर किया गया और उसके बाद में पीपी किट के अलावा जो है उसको डेड बॉडी सूट जो है वो पहनाए जाने की प्रक्रिया, इस टाइप की जो गतिविधियां हैं वो सब पूर्ण की जाकर फिर वो हटाई गई वहाँ से।
हाँ, अगर परिजन जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसमें लापरवाही हुई है, कुछ हुई है, तो जांच कराई जा सकती है, मगर प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा लगता नहीं है इसमें कि किस प्रकार की लापरवाही हुई है। पोस्टर न्यूज़ के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।